स्टूडेंट्स की आधार बेस अटेंडेंस लेने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है आईटैप। हम आईटैप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिए जाएंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको सेंटर कोड और सेंटर का नाम वो शो करेगा। आपको वेरीफाई करना है कि आप उसी सेंटर पर हैं। फिर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में एंटर रोल नंबर पर आप क्लिक करेंगे और स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में जो बार कोड है उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर स्कैन नहीं होता है तो आपको एंटर मैनुअल करना पड़ेगा। वहाँ पे आप मैनुअली रोल नंबर डालेंगे। आपको मैनुअल पे टिक करना है। मैनुअल पे टिक करने के बाद में आप मैनुअली रोल नंबर डालेंगे, फिर फेस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फेस डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में आधार नंबर शो करेगा, आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपना डिवाइस कनेक्ट करना है। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद में जो पॉपअप आएगा उसको चेक करना है, ओके करना है। उसको करने के बाद में आई आधार पर भी चेक करना है और कैप्चर पे आपको क्लिक कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में हम स्टूडेंट की फिंगरप्रिंट को स्कैन कराएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैन कराने के बाद में आपको डन पे क्लिक करना है और फिर हम नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए वही प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे।